सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नाइन्थ क्लास में कल हमने स्केल नंबर 2 की कागज बांट की थी, आज हम स्केल नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे, इसको पूरा करेंगे। तो जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है और आपको किताब भी आप साथ में रख सकते हैं, ये फट्टा एक है बना हुआ है, इसकी हमने स्केल बनानी है। इसकी जो ऊपर की फट्टी है, फट्टा जो है उसकी ऊपर की फट्टी है, ये है 2 सेंटीमीटर और हमारे पास इसके लिए फट्टा यूज होना है 1.5 सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने क्या करना है, 2 सेंटीमीटर लेना है, यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर पर निशान लगा देंगे, यहां भी हम 2 सेंटीमीटर पर निशान लगा देंगे, और हम इसको मिला देंगे ऊपर से। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, ये यहां से इधर को इसमें फट्टी लगी हुई है जिसके ऊपर ये ऊपर का फट्टा रखा हुआ है, और ये जो आपका फट्टा है ये है 5 सेंटीमीटर का। तो हम यहां से 5 सेंटीमीटर और यहां से भी हम 5 सेंटीमीटर काट देंगे, ऊपर भी हम 5-5 सेंटीमीटर के निशान लगा देंगे, इसमें ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 5 सेंटीमीटर है। मैं इसको भी यहां पे मिला देता हूं और ये डार्की मिलेगा हमारा, इस तरह से हम इसको मिला देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी में ऊपर से कील लगे हुए जिससे कि ये टिका हुआ है इसके साथ, तो हमने क्या करना है, ये आपका है यहां पे, इस फुट्टे से हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का आधा आपका हो जाएगा 2.5, तो हमने 2.5 से आधा इधर निशान ले देना, आधा इधर, या आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से 2 सेंटीमीटर काट दो फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ करके 2 सेंटीमीटर इधर रह जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5। और अब आपने क्या करना है, नीचे को हम जो है यहाँ से ऊपर से ले लो, चाहे यहाँ से आप नीचे को 2 सेंटीमीटर ले लो, यहाँ से 1-2 सेंटीमीटर और यहाँ पे आप 2 सेंटीमीटर निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे इसका प्रॉपर नाप नहीं दिया हुआ है कि कितने सेंटीमीटर नीचे को लगाना है, मैं आपको आइडिया से बता रहा हूँ कि इस तरह से हम लगाएंगे तो अच्छा हमारा दिखेगा। यहाँ से हमने क्या करना है, इसका आधा लेना है, यहाँ पे ये ले लिया हमने, और हमने इसको यहाँ जो है वो डॉटेड मिला देना है, यहाँ पे ये इसकी हम कील दर्शा सकते हैं कि यहाँ तक इसकी जो है वो कील नीचे आई है, तभी ये फट्टा इस कील के साथ टिका हुआ है। इस तरह से यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे, ऊपर हम जो है वो पहले हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, 2 इधर हमारा रह जाएगा, और नीचे को जो है हमें है जो ये आपकी फट्टी है, इस फट्टी से नीचे हम जो है वो 2 सेंटीमीटर ले लेंगे इस तरह से। और मैं यहाँ से, यहाँ मैंने निशान लगा दिया है, अब मैं यहाँ का प्रोजेक्शन इसका 2 सेंटीमीटर का ले लेता हूँ, ये वाला यहाँ से ये, और यहाँ पे मुझे जो निशान लगाना है वो आधे पे लगाना है, जैसे ये मेरा पास है, यहाँ मैंने यहाँ निशान लगा दिया है छोटा सा, और यहाँ पे मैं इसको डॉटेड इस कील के साथ जो है इस डॉट के साथ इसको इस तरह से मिला दूंगा, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कील जो है वो बन गए, और इसी तरह से हमारी जो है वो एलिवेशन भी बन के तैयार हो गई है। अब हमने बनानी है साइड, तो साइड बनाने के लिए कल मैंने आपको बताया था, और आज भी मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ जैसे मैंने कल किया था। यहाँ से हमने प्रोजेक्शन लिए थे साइड के लिए, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं 90 डिग्री पर लगा रहा हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री पर लगा रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, यही जो 2 सेंटीमीटर की आपकी लाइन है, यही लाइन हमारी इधर जानी है, और ये हमारी आएगी 2 सेंटीमीटर डार्क, इस तरह से हमारी लाइन डार्क आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसमें जो ये कील है ये यहाँ पे दिखाने,
अब हम क्या करेंगे, इसमें कील यहाँ पे दर्शाई गई है, शो की हुई है, चार कील है। हम इसको कैसे यहाँ पे दर्शाएंगे, हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हम काटेंगे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के बाद 1 सेंटीमीटर का हम कील छोड़ देंगे यहाँ पे डॉटेड लगाने के लिए। और यहाँ से फिर हम 5 सेंटीमीटर छोटा सा हमने निशान लगाना है, ज़्यादा लंबा निशान नहीं लगाना है कील के लिए। यहाँ से फिर 5 सेंटीमीटर एक कील, और फिर यहाँ से 5 सेंटीमीटर हम छोड़ देंगे इस तरह से, 5 सेंटीमीटर फिर हमारी कील, इस तरह से हमारी चार कीलें आ गई है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर नीचे छोड़ा था, या तो आप यहाँ से निशान लगा लो इस तरह से, ताकि आपकी स्केल गंदी ना हो ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा निशान लगाने से स्केल ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको नाप सकते हैं, और यहाँ पे हल्की सी लाइन में यहाँ लगा देता हूँ, बाद में चाहे बेशक रेज करनी पड़ेगी। इस तरह से मैंने लगा दी है। अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने ऊपर 5 पे निशान लगाया है, तो यहाँ पे मुझे 5 के बाद 6 है ना, तो इस 5.5 पे इस तरह से निशान लगा दिया, इसके सेंटर में मेरा निशान आए, बस ये है, इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। अगला निशान मैं यहाँ पे, ये निचले निशान हमारे 6-6 पे आएंगे, यहाँ पे एक घट जाएगा आधा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से डॉटेड इसको इस तरह से मिला देना है, डॉटेड इस तरह से, ये हमारे सेंटर में आ जाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर काटना है, फिर हम 6-6 ही काटेंगे नीचे से इस तरह से। अब हम इस लाइन को, ये इतनी हल्की हमारी लगनी चाहिए कि बाद में हम इसको मिटाएं तो हमें हमारी जो शीट है वो गंदी ना हो। आपका यदि रबड़ अच्छे क्वालिटी का है तो आपकी जो है वो शीट गंदी बिल्कुल नहीं होगी। इस तरह से आप इसमें निशान लगाएंगे, और ये हमारी साइड भी बनके तैयार हो गई है। अब हमने बनाना है प्लान। प्लान हम कैसे बनाएंगे, हमने क्या करना है, जैसे मैंने कल आपको बताया था प्रोजेक्शन लेने के लिए, आपने यहाँ से जैसे हमने ये प्रोजेक्शन ले लिया है, इसके साथ आप यहाँ पे 90 डिग्री पे सेट स्केल लगा दीजिए, और यहाँ से ये जो फट्टी है इसका डॉटेड लाइन हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि ऊपर हमें ये दिख नहीं रही है, तो जो दिख नहीं रहा होता है और होती जरूर फट्टी है, वो हम डॉटेड लगाते इस तरह से। ये फट्टी भी हम जो है वो डॉटेड यहाँ पे लगाएंगे, इस तरह से। ये फट्टी हमारी आ गई। अब हमने क्या करना है, जो आपकी ये लाइन है, ये जो लाइन है आपकी यहाँ पे, जहाँ ये आपका कील आ रहा है, ये कील वाली जो आपकी लाइन है, ये आपने सबसे पहले यहाँ पे, ये जो आपका पॉइंट आ रहा है, ये हमने यहाँ पे शो करना है, डॉटर शो करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ प्रोजेक्शन ले लेंगे, और उसके बाद हम इसको इधर को मिलाएंगे। हमने सबसे पहले प्रोजेक्शन लेना है ऊपर से कील के, इस तरह से हम प्रोजेक्शन ले लेंगे। इसमें जो प्रोजेक्शन प्लान हमारा है, इसमें हम तिरछी लाइन एक लगा देंगे यहाँ पे, ये जो हमारा स्क्वायर बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है, इसको हमने तिरछा लगा दिया। और अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसके प्रोजेक्शन लेने हैं, जो हमारा कील की नोक है, ये हमारी नोक है, इस नोक का हमने प्रोजेक्शन लेना है। यहाँ पर हम इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, यहाँ पे इस नॉक का हम प्रोजेक्शन लेंगे, इस तरह से,
इस तरह से हम इसके नोक के प्रोजेक्शन ले लेंगे। अब हमने ये जो आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ रहा है इसका प्रोजेक्शन हम जो है वो प्लान के लिए लेंगे। तो यहाँ से हम 90 डिग्री पे रेखा लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से, ये जो आपकी सर्च कर इस तरह से हम इसको लगा देंगे, यहाँ पे हम इसको क्रॉस कर देंगे, इसी की सीट में यहाँ बीच में निशान लगा देंगे और यहाँ पे भी मैं बीच में इसमें निशान लगा दूंगा। अब हमने क्या करना है यहाँ पे ये आपका प्रोजेक्शन आ गया यहाँ पे इसके सेंटर में बीच में मैं निशान लगा दूंगा, यहाँ भी मैं इसमें बीच में यहाँ पे निशान लगा दूंगा। ये हमारे कील के ऊपर का जो कील की मोटाई होती है वो बन रही है इस तरह से। हमारा एक कील बचता है, इसका भी हम प्रोजेक्शन यहाँ से लेते, बिल्कुल सही प्रोजेक्शन हमारा आएगा इस तरह से। ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो है वो कील आएंगे और ये कील आपके डार्क आएंगे। यहाँ से इसके प्रोजेक्शन ले लो इस पॉइंट के, ये जो आपका साइड का पॉइंट है यहाँ से प्रोजेक्शन ले लो, यहाँ पे निशान लगा दो यहाँ पे। अब आपने इस पॉइंट का प्रोजेक्शन लेना है जो आपका ये वाला पॉइंट है इस तरह से। अब ये आपका 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे गोला बन जाएगा इस तरह से। ये आपका ऊपर का जो इसका सिर है कील का, इस तरह से आपका ये गोलाई में ऐसे बन जाएगा, ऐसे भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपका ये वाला कॉर्नर आपका है, पहले हम इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं 90 डिग्री पे। हम सीधा जो है सेट कर अपना लगाएंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे इस तरह से, और इसी के समानांतर हम जो है वो यहाँ से भी निशान लगा देंगे ये आप देख सकते हैं। ये जो 1x1 का हमारा यहाँ वर्ग बनेगा, इसको हम बिल्कुल राउंड शेप दे देंगे, गोले की शेप दे देंगे इस तरह से। ये हमारा प्लान बनके तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारी जो है वो एलिवेशन साइट और प्लान बन गया है। इसमें बचता है हमारा फुट्टा, फुट्टा मैंने आपको बताया था जब मैंने स्केल नंबर 1 करवाई थी कैसे बनता है, वैसे ही आपने अब इसमें भी यहाँ पे फुट्टा बना देना है, तभी आपकी इसके लिए कंप्लीट होगी। यदि आपको नहीं आ रहा है, चलो एक बार आज फिर मैं आपको बता देता हूँ फुट्टा कैसे हमारा बनता है। वैसे तो मैंने आपको स्केल नंबर 1 में करवा रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार और आपको बता देता हूँ। पहले हमने इस तरह की एक लाइन लेनी है, फिर हम इसी के समानांतर ये लाइन थोड़ी हम लंबी ले लेते हैं इसी के समानांतर हमने एक यहाँ से दूसरी लाइन लेनी है उस लाइन की दूरी थोड़ी कम रहेगी, एक और हमने रेखा लेनी है इसी के समानांतर यहाँ से इस तरह से। अब ये फुट्टा हमारा यहाँ से पीछे से ऐसे टूटता हुआ हमने शो करना है कि बहुत लंबा फुट्टा है, हमने सिर्फ इतना ही शो किया हुआ यहाँ पे इस तरह से। हम इसको आगे से लाइन लगा देंगे इसमें, और जो आपके पास फुट्टा आप यूज कर रहे हैं इसमें हमने यहाँ पे निशान लगाने हैं 1-1 सेंटीमीटर पे इस तरह से। हम इसमें निशान लगा देंगे क्या करना है, ये जो हमने 1-1 सेंटीमीटर के इसमें निशान लगाए हैं इनको हम मिला देंगे इस तरह से। और ये 5 सेंटीमीटर का है तो इसको हम नीचे तक मिलाएंगे, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये हमारा
15 है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर है और ये हमारा 25 सेंटीमीटर है। इस तरह से हम इसमें लिख भी देंगे, ये हमारा है 5 सेंटीमीटर, ये हमारा है 10, 15, 20 और 25। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं सुंदर सुंदर में, स्केल नंबर 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसमें लिख दीजिए कि जो स्केल है वो बनके तैयार हो गई है। आप इसको स्क्रीन में भी देख सकते हैं और यहाँ भी हमारी बन गई। इसी तरह से आपने भी अपने ड्राइंग फाइल पे इसको जरूर बनाना है।